प्रभु जी बहुत सारा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, और मैं अपनी टेस्टामनी देना चाहती हूँ जैसे परमेश्वर ने आप सबके जीवन में बड़े कामों को किया और परमेश्वर ने मेरे जीवन में भी इस बड़ी गवाही को बनाया। मैं परमेश्वर का बहुत सारा थैंक्स करती हूँ। और मेरी गवाही जे के पिछले थर्सडे की मीटिंग जैसे स्टार्ट होने वाली थी, और सुबह जैसे मैं अपने घर से आई थी और मेरी चिन के इधर राइट साइड के ऐसे छोटा सा ऐसे पिंपल था, और चिन समझते हो भाई पंजाबी में बताया करो, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो। हाँ बताओ बताओ, चिन मतलब ये ठोड्डी, क्या जिसे बोलते हम ठोड्डी, ठोड्डी समझ आ गई। अब बताओ। और जैसे मैं घर से आ रही थी और उस सुबह ही ऐसे बिल्कुल छोटा सा पिंपल था, बिल्कुल ब्रेक सा था, और काफी ऐसे खारिश भी हो रही थी और बहुत दर्द थी। और मैं क्योंकि मैं खुदा की हजूरी में हूँ और मैं किसी भी बात में ऐसे झूठ नहीं बोलूंगी, और मैं सुबह जब इस संगति में आई तो अभी संगति स्टार्ट नहीं हुई थी, तो मैं ऐसे मेडिसिन लेने के लिए चली गई क्योंकि मेरे काफ़ी दर्द हो रही थी और मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे बोलने में मुझे दिक्कत आ रही है। तो ऐसे मैं जैसे मेडिसिन लेने के लिए गई और डॉक्टर को बताया, और उसने बोला कि शायद हो सकता है जैसे कुछ ऐसे कोई जहरीली चीज़ ने काट दिया होगा अगर खारिश ज़्यादा हो रही है। तो उसने मुझे मेडिसिन दी और बहुत ऐसे मतलब चार खुराकें दी उसने मुझे, और बोला कि पूरे दिन में आपने लेनी है और शाम तक ख़त्म कर देना। और मैं ऐसे मतलब उस मेडिसिन को पूरे ऐसे खाई, और जैसे मैं घर में ऐसे मीटिंग के बाद अपने घर में गई तो जैसे काफ़ी सूजन पड़ गई थी, और मेरी मदर ने बोला कि क्या हुआ, तो मैंने बोला कि पता नहीं ऐसे सुबह कुछ ऐसे कोई चीज़ ने काट दिया या कुछ हो गया मुझे तो पता नहीं। तो मतलब मेरी मम्मी ने मुझे तो नहीं बोला, पर उन्होंने भी ऐसे मुझे मेडिसिन लेकर दी कि काफ़ी दर्द हो रही है, क्योंकि मैंने खाना भी खाया था पर ऐसे मुझसे खाया नहीं जा रहा था, तो मैंने वो भी मेडिसिन खा ली, पर फिर भी ऐसे बिल्कुल भी दर्द से मुझे आराम नहीं मिला। ऐसे पूरी रात को जैसे मैं सुबह उठी तो मेरी जो ऐसे इधर की साइड थी बिल्कुल पूरी सूज गई और काफ़ी ज़्यादा मतलब दर्द थी, और बहुत ज़्यादा थी। उस दिन फ्राइडे का दिन था, और जैसे मुझे सुबह ऐसे 9:30 बजे ऐसे पापा जी की कॉल आई कि सबको मैसेज देना है कि ऐसे कल की मीटिंग के लिए ऐसे आज कॉल कर दो, तो मैंने ऐसे बिल्कुल भी नहीं अपने मुख से बोला कि आज मुझसे ऐसे बोला नहीं जा रहा, जहाँ मैंने अभी तक सुबह से कुछ खाया भी नहीं जा रहा। तो मैंने ऐसे धन्यवाद किया और मैंने सबसे कॉल की, और जैसे बहुत सारे कॉल्स आई मुझे प्रेयर के लिए भी, और मैंने प्रेयर भी की, और जो मेरी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी और बहुत ज़्यादा मैं परेशान थी क्योंकि मुझसे बोला भी नहीं था जा रहा। और उसी दिन शाम को फ्राइडे की मीटिंग भी थी, और उस दिन बाद में फिर से मेरे मदर ने बोला कि मेडिसिन ले आओ, तुमने कुछ खाया नहीं और आज नाइट प्रेयर भी है। तो मैंने बोला कि आज मैं कुछ भी नहीं लूँगी मेडिसिन, कल से इतनी ज़्यादा खा ली कोई फ़र्क तो नहीं है, तो मैं आज परमेश्वर मुझे अच्छा करेंगे और मैं मीटिंग में जाना है। और जैसे नाइट प्रेयर में आई, पता नहीं मुझसे ज़्यादा समय हुई कि नहीं, क्योंकि मुझसे बिल्कुल भी नहीं था बोला जा रहा, और मेरी नीचे से गर्दन और मेरा ऐसे सिर कभी भी इतना दर्द नहीं हुआ, ऐसे टस टस ऐसे लग रहा था और बहुत ज़्यादा रेशा था, लग रहा था कि टस टस पूरा हो रहा था और बहुत ज़्यादा टस टस हो रहा था। और जैसे मैं प्रेयर तो कर रही थी और पता नहीं कैसे हो भी रही थी नहीं, मुझे तो इस चीज़ का भी नहीं पता, और पर परमेश्वर मेरे मन को जानते थे। और जैसे ही संडे की मीटिंग आई और जैसे ऑयल को मैंने भी अप्लाई किया क्योंकि उस दिन भी काफ़ी ज़्यादा दर्द थी, और जैसे ही अप्लाई किया और सुबह जब मैं उठी और मैंने अपने फेस पहले को देखा, उसकी हाँ उसकी कोई पिक है आपकी आपके पास मुझे कोई? हाँ पहले हम उस पिक को भी देखेंगे। हाँ, पहले पिक को हाँ दिखाओ फिर लोगों को, ध्यान से देखो, देखो इसका कैसे पूरा इसका जो फेस है वो जहाँ पे निशान ये गोल रेड कलर का जो सर्कल बना है, देखो पूरी इसकी एक साइड सूजन जैसे इसमें रेशा भरा हुआ है, क्या इसमें जैसे रेशा भरा हुआ है इसमें, और ये पूरा इसमें स्वेलिंग है, सोज है, और एक समय ऐसा लग रहा था कि ये पूरा भर जाएगा, ये पूरा रेशा इससे निकलेगा तब जाकर इसे आराम मिलेगा, क्या मिलेगा अब बताओ। और जैसे ही संडे की मीटिंग में मैंने ऑयल अप्लाई किया और जैसे ही सुबह मैंने देखा तो ये बिल्कुल पूरी तरह से सूख चुका था, और मैं इस चीज को देखकर बहुत हैरान हुई कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में इतना बड़ा काम किया, क्योंकि मैं कभी भी जितनी वो दर्द थी और जितना ऐसे फेस में हो गया था उस चीज को देखकर मेरा मन भी परेशान था, और ऐसे जब मैंने परमेश्वर के उस सामर्थ को देखा और मैं बहुत खुश हुई कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में इस बड़ी गवाही को बनाया, और सच में
मेडिसन ने तो बिल्कुल नहीं असर किया, पर खुदा की उस सामर्थ, उस ग्रेस के द्वारा परमेश्वर ने मुझे बिल्कुल अच्छा किया। और इस गवाही के लिए मैं परमेश्वर का बहुत सारा थैंक्स करती हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं अभी थोड़ा सा बताता हूँ कि जिसमें सच में ये हाँ ये अनॉइंटिंग ऑयल तो नहीं था, हाँ वर्ड था। बोलो क्या था? वर्ड था। और ये वीरवार से इसके पहले छोटा सा था और अगले दिन इतना ज्यादा बढ़ गया। ये हमारी फ्राइडे को नाइट प्रेयर थी, तो ये पहले तो जब मैंने इसे मैसेज दिया, इसने एक बार भी नहीं कहा कि मैं बहुत तकलीफ में हूं। इसने अंगीकार गलत नहीं किया, एक बार भी अपने मुंह से नहीं बोला कि मैं बीमार हूं, मैं परेशान हूं, मुझसे बोला नहीं जा रहा। क्योंकि रेशा बढ़ने की वजह से कारण, मैं जानता हूं जब किसी की ये, जिसे हम पंजाबी में घड़ बोल देते हैं, बोलो क्या बोलते हैं, घड पूरा निकला है, हाँ, तो ये कितनी तकलीफ में थी। फिर लोगों की ना तो मैंने जब इसे मैसेज दिया कि मैसेज दे दो सबको, हमारी जितनी जो टीम है उन्हें मैसेज दो कि आज प्रे नाइट, हाँ, ना तो इसने मुझे कहा कि मैं नहीं आ सकती हूं, मैं प्रॉब्लम में हूं, ना मुझे कुछ कहा। जितने और लोगों का भी फोन आया, हाँ, क्योंकि इसका काम है, ये हमारी टीम में, और इसका काम है कि जैसे और भी बच्चे हैं जो कॉल को अटेंड करते हैं, और जितने लोगों का ये फोन आया, इसने एक बार भी किसी को नहीं कहा, और ऐसा नहीं कि किसी का भी फोन इसने रिसीव नहीं किया। सबने अगर किसी ने कहा मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी ये प्रॉब्लम है, इसने एक बार भी नहीं कहा कि मैं तो आज आप नहीं ठीक हूं। इसने सबके लिए प्रेयर भी की, क्योंकि शरीर पर मन नहीं लगाया। समझ आ रही है? कितनों को समझ आ रही है? हाँ, देखो परमेश्वर जानता है। आपको पता है इब्रानियों की पुस्तक में लिखा, हमारा ऐसा महाजाजक नहीं है जो हमारे दुखों में क्या ना हो, सांझी ना हो। जब हालात होता है तो इंसान डगमगा जाता है, हाँ, वो घबरा जाता है कि क्या करूं अब, वो अपनी बुद्धि लगाता है, हाँ, पता नहीं क्या क्या करता है। मेडिसिन तो इसने खाई पर मेडिसिन से कुछ नहीं हुआ। बोलो क्या है? मेडिसिन से कुछ नहीं हुआ, पर संडे जो वर्ड था, वर्ड ऑफ ऑयल, हाँ, उसको विश्वास के साथ उस ऑयल को अप्लाई किया, लगाया, और सुबह वो कितना, अभी आपने पिक देखी, क्या देखी, अभी आपने पिक देखी, पूरा इसका फेस एक साइड से पूरा ऐसे स्वेलिंग सूजा हुआ था, उसमें रेशा भरा था। और ये पूरी रात ये प्रेयर करती, पता नहीं, मुझे तो नहीं पता किस मन से ये करती रही, पर तकलीफ में थे, क्योंकि वो रेशे की वजह से वो टस टस हो रही है। देखो बंदा कितना तकलीफ में है, पर परमेश्वर महान है। इसे लिखा वो ऐसा महाजाजक नहीं है जो हमारे दुख में क्या ना हो, सांझी ना हो, और वो जानता है। और जैसे उस वर्ल्ड ऑफ ऑयल को सुबह इसने विश्वास के साथ अप्लाई किया, और वो सारा रेशा, वो सारी स्वेलिंग पूरी तरह सुबह खत्म थी। जोर से तारीफ करो, जोर से, जोर से।